शंकर दादा द्वार पर आकर के खड़े हो गए और हमारे कन्हैया रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तब यशोदा मैया लाला को लेकर के बाहर आई और जैसे ही बाबा लाला को देखे हैं, ये थोड़ी ईको कम कर दो भाई, इधर शंकर दादा कहते मैया यदि तो को अपनो लाला चुप करवानो है, वाको झाड़ा फूको करवाना, नजर हटवानी है तो को अपनो लाला हमारी गोदी में देनो पड़ेगा। मैया बोली पहले तो तने बाबा हम तो कही कि अपने लाला के दर्शन करा दे, अब तू कह रहो है कि हमें गोदी में दे दे, तेरो का भरोसा, थोड़ी देर बाद कहवेगो कि अपनो लाला हमको ही दे दे। बोले देख मैया अगर तू अपने लाला की नजर उतरवानो चाहे तो को अपनो लाला हमको देनो ही पड़ेगा। अब मैया कहा करे प्राणन पे आज संकट बनायो है, इतनी देर ते लाला रो रो के सांस पे सांस चढ़ी भई है, मैया की भी और लाला की भी। अब मैया ने कहा ठीक है बाबा देख तुरंत मोको वापस कर दियो। बाबा कह रहे मैया एक बार दे तो सही। तो मैया बोली ठीक है पहले अपने सापन के मुंह तो पलंग को कर ले। और बाबा ने कह ले मैया सापन को पीछे कर दियो। और जैसे ही कन्हैया को शंकर दादा के हाथ में दियो है तैसे हमारे कन्हैया तो चुप है गए। शंकर दादा ने रोना प्रारंभ कर दियो, आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी है। अब मैया कहे होए ना होए याई ने कछु कियो, जैसे या की गोदी में गयो वैसे चुप है गए। अब तो मेरे प्रभु एक टक आखन थे अपने लाला के दर्शन करवे लग रहे हैं। मैया ने जैसे गोदी में ले लिए फिर से कन्हैया ने रोनो प्रारंभ कर दियो। मैया बोली बाबा कछु ऐसो कर दे कि जब हमारी गोदी में आवे तो भी चुप है जावे। तो मैया ते कहमे बाबा कि मैया जैसे तू चाहे वैसे ही है जावेगा, परंतु तो को एक काम करना पड़ेगा। मैया बोली एक ना तू दस काम बता सब करूंगी, परंतु मेरो लाला चुप है जावे। तब शंकर दादा ने कहा कि मैया तू अपने घर में हमारो मंदिर बनाई हो और वह मंदिर पे रोज अपने लाला के स्नान को जल चढ़ावेगी तो तेरे लाला को कभी नजर ना लगेगी और वही मेरे प्रभु यशोदा के घर में नंदेश्वर बन करके विराजमान हो गए हैं। रोज मैया के लाला के स्नान को जल नंदेश्वर भगवान पर उनके ऊपर चढ़ाए कर। आगे बड़ी ही पावन कथा आती है। अभी तक मेरे श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। एक बार वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को बुलाया और उनसे कहा कि बालक एक वर्ष के हो गए होंगे, पता नहीं अभी नामकरण संस्कार भी हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो यदुकुल का आचार्य हूँ, यदि मैं उनका नामकरण संस्कार करूँगा तो कंस को पक्का यकीन हो जाएगा कि ये वसुदेव का ही लाला है। बोले कुछ भी करो परंतु बालकों का नामकरण संस्कार तो करना ही है। तब एक दिन गर्गाचार्य जी टहलते हुए गोकुल में पहुंचे और जैसे नंद बाबा ने आज अपने द्वार पर गर्गाचार्य जी को आया हुआ देखा अति प्रसन्न हुए, चरणों का प्रक्षालन किया, आसन दिया। बोले महाराज आज तो हमारे भाग्यों का उदय हो गया, आप जैसे परम विद्वान सरल हृदय के आचार्य हमारे घर पर आए। बोले बस यहाँ से निकल के जा रहा था, ज्ञात हुआ कि आपके घर में इस बुढ़ापे में घर में लाला भयो हैं, सो सोचा चलो दर्शन करावेंगे आशीर्वाद दे आवेंगे। बोले ये तो आपने बहुत ही अच्छो किया, आपको ही तो है सब, आपके आशीर्वाद से भयो हैं। बोले कहाँ नाम रखो है? बोले महाराज अभी तक तो कोई नाम वाम रखो ना है, जो जाके मन में आवे सो वही नाम तो पुकार लेवे। बोले मोको तो ऐसो लगे कि ये नामकरण आपके हाथ से ही होना होगा, इसीलिए अभी तक बालकन को कोई नामकरण संस्कार कियो ना है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मेरा इस प्रकार नाम रखना बच्चों पर संकट आ सकता है, इसलिए गुप्त रीति से मैं उनका नामकरण करूंगा। और तब गौशाला में नाम रखवे की तैयारी होवे लगे। बाबा दौड़ करके आए जल्दी अपने बालकन को नहला दिला करके ले आओ, बड़े पहुंचे हुए जोशी आए हैं। अब मैया जल्दी से नहा धो करके अपने अपने बच्चा उनको बालकन को लेकर के चल रही।
अब मैया जाती जा रही है, बीच में बड़ो पहुंचो और जोशी आए, बड़ो हल्ला मचा मचा के गए हैं, चलो इनकी परीक्षा ले लें मैं। तो रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को गोदी में ले लिया और यशोदा नंदन ने रोहिणी जी के बालक को गोदी में ले लिया। दोनों मैया ने अपने अपने बालकन की अदला बदली कर ली और कह रही है अभी परीक्षा हो जाएगी कि वाकई में पहुंचा हुआ जोशी है कि खड़िया पलटन बाबा है। अब लेके गौशाला में दोनों मैया अपने बालकन को जैसे ही पहुंची तैसे गर्गाचार्य जी तो जानते थे कि मेरे प्रभु अवतरित हुए हैं। जैसे ही प्रभु की दूर से एक छवि का दर्शन हुआ, आंखें खुली रह गई, मुंह फटो रह गया, सांस चलनी बंद रह गई, त्राटक समाधि लग गई। अब मैया दोनों आकर के बैठे, कह रही है बाबा प्रणाम करें, चरणन में तुम्हारे ढोक दे मैं। अब बाबा तो ना हिले ना डुले। रोहिणी जी कह रही है बाबा का है वो, ना तो हिल रहे ना डुल रहे ना सांस चलती वलती कुछ दिखाई दे रही। यशोदा मैया कह मैं कहीं ऐसा तो ना है कि बाबा पूरो है गो हो, पर या को हमारे घर में लो का कलंक लगा वे कू। अब मैया थोड़ी बहुत देर तक देखी परंतु अब सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे है रही है, ये तो बड़ो उल्टो मामलो पड़ गो। कहा महात्मा हमारे घर में बालकन को नाम रखो आयो और ये परलोक से धार गो का। बाबा बाबा खूब चिल्लाई जब नाए उठो तब यशोदा मैया ने लाला को तो धरो नीचे और बाबा के हाथ पकड़ के जोर जोर से जैसे झटको दियो है तैसे बाबा कह रहे आएगो 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 आएगो। यशोदा मैया बोली कहा याद आएगो? बोले बालकन को नाम याद आएगो। मैया बोली ऐसे नाम याद करे करे कि तुमने हमारो ही नाम हमें बुला दियो। अब गर्गाचार्य जी कहा बतावे कि आज इनको ध्यान कहाँ लग गया, आज जगत के जगदीश्वर नन्ना स्वरूप धारण करके सम्मुख बैठे हुए हैं। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं रोहिणी जी आपकी गोदी में तो यशोदा नंदन है और यशोदा जी आपकी गोदी में रोहिणी नंदन है। मैया एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि ये खड़िया पलटन बाबा ना ये तो पहुंचो वो जोशी है। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि रोहिणी जी आपका जो बालक है ना इसमें बहुत बल होगा इसलिए इनका एक नाम बलराम होगा। क्योंकि ये योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से आकर्षित करके संकर्षित करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किए गए थे इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इनका अस्त्र जो होगा वो हल होगा इसलिए इनका एक नाम हलधर भी होगा। और हमारे ये जो कन्हैया है ये कैसे हैं? सारे जगत के चित्त को आकर्षित करते हैं इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। युगो युगों में जन्म लेते हैं, कभी श्वेत वर्ण में, कभी जो है पीत वर्ण में, इस बार श्याम वर्ण में इन्होंने जन्म लिया इसलिए इनका नाम श्याम होगा। अब बाबा तो नाम रख करके चले गए, मैया ने खूब दक्षिणा दी, प्रेम से विदा किया। मैया कह रही है देखियो कहाँ नाम रख गए हैं, या कृष्ण ने ले नाम ले में तो हमारी जिब्बा भी फिसले, भैया हम तो अपने लाला को कलुआ और बलुआ कह के बुलावेंगे। अब इधर मेरे कन्हैया तनिक और बड़े हो गए और उन्होंने घुटमन घुटमन चलना सीख लियो है। नंद बाबा नित्य यमुना जी में स्नान करवे जाए करे और वहां से जल भर के घर पे लावे, घर में ही एक छोटो सो मंदिर बना रखो, वह मंदिर में रोज शालिग्राम जी को कभी घी में कभी दूध में शक्करा में दही में स्नान कराए करे। तो आज भी जमुना जी को जल लेकर आए, जल ते स्नान करायो, फिर घी ते दूध ते दही ते शकरा ते स्नान करायो। तो हमारे कन्हैया बाहर बैठे बैठे देख रहे, सोच रहे कि रोज दूध दही घी में शकरा में नहा में ये तो खूब मीठे हो गए होंगे, सो इस स्वाद लेवे को मन में इनके भाव आयो। जैसे ये घुटमन घुटमन भीतर आवे लगे तैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ गई तो वहीं ते बैठे बैठे करें दूर दूर बिना नहाए धोए करे जय जय के घर में ना आए करें। तो कन्हैया कह रहे हैं लोग कल ले बात सबसे बड़े जय जय को तो घर से बाहर निकाल रहे हैं और जाने कौन से जय जय की पूजा करवे लग रहे हैं। अब फिर आवे लगे तो भाई बाबा ने फिर डांट दियो कि बाहर। अब कन्हैया बाहर बैठे हुए हैं, इधर आज पुनः पंचामृत में स्नान करा करके आसन पर शालिग्राम जी को बैठा दियो है। अरे बाबा मेरा ध्यान इधर उधर कहीं ना भटके है इसीलिए मुंह पर अंगोछा डाल लियो है और माला घुमावे लगे। देखो भजन एकांत का होता है, मन इधर उधर कहीं चलाए मन ना हो क्योंकि आंखें ये तो 36 जगह जाती हैं,
इसलिए मन ना भटके, इसलिए बहुत सारे लोग आज भी आंखों पर कपड़ा डाल करके भजन करते हैं। अब कन्हैया को लगो कि बाबा तो आंखें ढक के मुंह ढक करके भजन कर बैठ गए हैं, अच्छा मौको है चल के इनको स्वाद ले लेना चाहिए। और कन्हैया गुटमन गुटमन आगे बढ़े हैं, मंदिर में पहुंचे और बाबा के बराबर में बैठ करके छोटो सो हाथ आगे बढ़ा करके सिंहासन पे से छोटे से शालिग्राम जी को उठा करके मुख में गप कर गए। अब इधर का भयो, इतने में बाबा की माला पूरी हुई, कपड़ा हटायो, अब आसन पर आंखें खोल करके हाथ जोड़ करके दर्शन करने के लिए जैसे ही देखें तो वहां शालिग्राम जी हैं ना। बाबा इधर उधर देर में लगे कहीं ढुलक तो ना गए, पर जैसे ही बराबर में देखो तो एक और छोटो भगत आके बैठ गो। तो बाबा ने कन्हैया की ओर देखो, अब कन्हैया शालिग्राम जी को मुंह में पपोर रहे, कभी पपोरते हुए धल लिया में, कभी धल लिया में। तो बाबा ने लाला ते कही, लाला तेरे मुंह में का है? तो कन्हैया हूं हूं करे, बाबा कह रहे हूं हूं हा हा का कर रहा है।